हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें दो पार्ट दिया है और आपसे कह रहा है कि चेक करके बताओ कि कौन सा फंक्शन 1 1 2 दोनों है, यानी बायजेक्टिव हमको चेक करना है ना। एक है कि आच्छादक हमें चेक करना है। तो ठीक है, एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू 3 - 4x, और जो फंक्शन की डिफिनेशन दी गई है वो है f फ्रॉम r टू r, मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं और 1 1 चेक करते हैं, देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आप मैपिंग से भी चेक कर सकते हैं और स्टेटमेंट लिखकर भी दिखा सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट आप तभी लिखते हैं जब आपको क्लियर होता है कि आपका फंक्शन 1 1 2 है कि नहीं है। स्टेटमेंट लिखना बहुत कठिन काम नहीं है, बस हमें समझ में आ जाए कि हमारा फंक्शन 1 1 2 है कि नहीं है। तो 1 1 2 समझने के लिए हम लोग मैपिंग का सहारा लेते हैं और मैपिंग से बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है कि हमारा फंक्शन 1 1 2 है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग 1 1 की बात करें तो 1 1 हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। स्टेटमेंट से भी दिखा सकते हैं 1 1 है कि नहीं, फिर मैपिंग का सहारा लेंगे हम लोग, वहां से भी देखेंगे कि 1 1 2 है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 1 की बात कर रहे हैं तो देखते हैं। मैंने कहा कि मान लिया कि x1 x2 दो संख्याएं हैं जहां x1 x2 बिलोंग टू R, यानी x1 x2 क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग fx1 लेते हैं और इसको fx2 के इक्वल करते हैं, ये तो करते हैं। तो आप देखो fx बराबर क्या है, 3 - 4x, तो fx1 बराबर क्या होगा, 3 - 4x1, और fx2 क्या होगा, 3 - 4x2। आप देखो ये इधर 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका क्या, -4x1 = -4x2। आप ध्यान से देखो तो -4 - 4 से कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया x1 = x2। हमको करना क्या होता है, हमको fx1 = fx2 लेकर चलना होता है और x1 = x2 दिखा देना होता है। तो आप देख लो कि fx1 = fx2 लेकर हम चले थे और x1 = x2 आ गया, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका 1 1 है। ठीक है, अब आंटो में चेक करना है, तो आंटो के लिए हम लोग मैपिंग का सहारा लेंगे, है ना। मैपिंग से चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन आंटो है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, आंटो दिखाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैपिंग का सहारा लेते हैं हम लोग, मैपिंग से क्लियर कर लेते हैं पहले कि हमारा फंक्शन आंटो है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैपिंग से देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो आंटो है कि नहीं है। अच्छा, मैपिंग से देखने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था और क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी बताया था कि हम लोग जब आंटो दिखाते हैं तो उससे पहले हम लोग को करना क्या होता है। हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमारा जो फंक्शन दिया है उसको हम लोग लिख डालते हैं इसे 3 - 4x। इसके बाद fx को हम लोग y लिखते हैं, y = क्या हो गया, -4x हो गया। फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 4x को इधर लेते आओगे तो 4x = क्या मिलेगा आपको, 3 - y, और x = क्या मिलेगा, 3 - y/4। ठीक है, ये टोटल वैल्यू जो भी आएगी वो रियल नंबर के सेट से मिलेगी हमें। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको y की वैल्यू रखते जाना है और चेक करते जाना है कि उसके लिए, उस y के लिए क्या x मौजूद है। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, आंटो होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा फंक्शन आंटो नहीं होगा, है ना। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले फंक्शन fx को लिख डालना है, फिर fx की जगह को y लिखना है, y को लिखने के बाद हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तब हम चेक करेंगे कि इसमें y की वैल्यू हम रखते जाए और हमें उसके लिए x की वैल्यू मिलती जाए। कहाँ पे y आपका कहाँ से है, कोडोमेन से है। y आपका कहाँ से होता है, कोडोमेन से होता है, और x आपका कहाँ से होता है, डोमेन से होता है। तो कोडोमेन के एलिमेंट को रखते जाए और अगर डोमेन का एलिमेंट मिलता जा रहा है तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, आंटो है। देख लेते हैं, यहाँ मैपिंग भी बना लेते हैं, ये हमारा रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये हो गया -2 -1
जीरो वन, वन पॉइंट फाइव टू है ना, थ्री ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू टू पॉइंट फाइव थ्री फोर है ना, इस तरह से इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। हमें पता है कि डोमेन के एलिमेंट को हम लोग यक्स बोलते हैं, तो यक्स बिलांग टू आर हो जाएगा और ये वाई बिलांग टू आर हो जाएगा, वाई मतलब एफ एक्स होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली है, हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि हम यहाँ वाई की वैल्यू रखते जाएं और इस वाई के लिए एक्स मिलता जाए। तो जैसे आप देख लो, जब आप वाई बराबर जीरो रखोगे, जब आप वाई बराबर क्या रखोगे जीरो रखोगे, तो यहाँ पर हो गया जीरो, तो थ्री माइनस जीरो का मतलब थ्री, और थ्री अपॉन फोर का मतलब क्या होगा, थ्री अपॉन फोर पॉइंट सेवन, यही तो होगा। और क्या पॉइंट सेवन इसमें नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। जब आप वाई इक्वल टू जीरो रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, थ्री बाई फोर मिल रहा है, और थ्री बाई फोर का मतलब क्या है पॉइंट सेवन, यानी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली पॉइंट सेवन मिली। तो जब आपने वाई की वैल्यू जीरो रखी तो जीरो के लिए इसमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, पॉइंट सेवन मिल रही है। और अगर रियल नंबर का सेट है तो इसमें दशमलव की संख्याएं भी होती हैं, तो दशमलव सात इसमें होगा, ठीक है। ऐसे देख लो, वन रखोगे जब आप वन, तो थ्री माइनस वन का मतलब टू, थ्री माइनस वन का मतलब क्या टू, टू बाई फोर का मतलब क्या वन बाई टू, वन बाई टू का मतलब क्या पॉइंट फाइव। तो जब आप वाई बराबर एक रख रहे हो तो एक के लिए क्या मिला आपको, दशमलव पांच मिल रहा है और इसमें मिलेगा। ऐसे आप दो रखोगे तो तीन में से दो निकल गया एक, एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटे चार का मतलब क्या, एक बटे चार का मतलब क्या पॉइंट टू फाइव, और क्या पॉइंट टू फाइव इसमें नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देखो कि वाई की कोई भी वैल्यू आप रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, प्रत्येक वैल्यू के लिए प्रत्येक मान के लिए कोई ना कोई एक्स जरूर होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, आंटो है। कुल कहने का मतलब यह है कि जब हम आंटो चेक करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटे ना। एक बात और आपको बताऊं कि अगर आपका रियल नंबर का डोमेन और कोडोमेन है तो रियल नंबर के डोमेन और कोडोमेन में लगभग आंटो हो जाता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में सभी प्रकार की संख्याएं मिलती है, सभी प्रकार की मिलती है, पॉजिटिव वाले भी मिलेंगे, नेगेटिव वाले भी मिलेंगे, है ना, डेसिमल नंबर मिलेंगे, तो हर एक एलिमेंट के लिए एलिमेंट मौजूद होता है। इसीलिए रियल नंबर के सेट में अधिकतर फंक्शन जो आपका है वो आंटो हो जाता है ना। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हो कि वाई का कोई भी मान रख रहे हो उसके लिए आपको डोमेन में एक्स मिल रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बच जाए, किसी ना किसी एलिमेंट का वो इमेज जरूर होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, आंटो है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का कोई मतलब ये, जब आप वन वन चेक करते हो तो वन वन में आपको देखना होता है कि डोमेन में कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है, और प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, ठीक है। लेकिन जब आप आंटो चेक करते हो तो आंटो चेक करते समय आपको देखना होता है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ना छूटे। और यहाँ पर आप बहुत ही आराम से देख सकते हो कि जब आप वाई की वैल्यू रखते जाओ, कोई भी वैल्यू इसमें वाई की रख दो, कोई भी वैल्यू दशमलव वाली रख दो, माइनस वाली रख दो, जीरो रख दो, है ना, पॉजिटिव नंबर रख दो, कोई भी रख दो, उनके लिए एक्स इसमें मौजूद है, कोई ना कोई एक्स जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है, आंटो, ठीक है। वन वन के लिए आपको क्या करना है, वन वन के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स। वन वन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक्स उठाओ यहाँ पर रखो और देखो कि क्या किस एक्स के लिए इसमें एलिमेंट है। तो आप चेक करो कोई भी संख्या अगर एक्स की जगह पर आपको एफ एक्स जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग पहले भी वन वन दिखा चुके थे, है ना, स्टेटमेंट से हम लोग दिखा चुके थे ये फंक्शन हमारा वन वन था। हम मैपिंग से भी समझ सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, ठीक है। कोई भी एक्स रख दो उसके लिए एफ एक्स आपको मिल जाएगा, ऐसे ही कोई भी वाई ले लो उसके लिए एक्स मौजूद होगा, इसलिए फंक्शन वन वन भी है और आंटो भी है, ठीक है। तो लिख देंगे स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, इसलिए प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए प्रांत में x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, अतः फलन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका वमन भी था और आंटो भी था। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दिया गया है और फंक्शन की डिफिनेशन दी गई है एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब इसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट से आप बड़े आराम से दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं वन वन की बात करता हूँ, वन वन की
1 1 के लिए आपको क्या करना है, f(x1) बराबर f(x2) लेना है ना। आप ऊपर लिखे होंगे x1 और f(x2) दो संख्याएं हैं जो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। fx बराबर 1 प्लस x स्क्वायर, तो fx1 बराबर क्या होगा, 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, x2 स्क्वायर आएगा। यहां से आप क्लियरली बोल सकते हो कि x1 प्लस माइनस x2, भाई जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस x2 आएगा, ठीक है। और यहां से आप बोल सकते हो कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि x1 जो है वो पॉजिटिव है और x2 पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से x1 और x2 क्या है, इक्वल नहीं है, लेकिन fx1 और fx2 क्या है, इक्वल है। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स की अगर एक ही इमेज आती है, इक्वल इमेज आती है, तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर प्लस माइनस हटा दिया था, है ना। आप पिछले लेक्चर में देखोगे तो शायद वो क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिखा था, फिर बाद में मैंने इसको हटा दिया था। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर जो डोमेन था वो नेचुरल नंबर का था, तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। तो जब भी आप नेचुरल नंबर का सेट देखेंगे तो वहां पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सेट रियल नंबर का है और रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगा है। और प्लस माइनस लगने का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 नहीं है। अब आंटों की बात कर लेते हैं, आंटों को हम मैट्रिक्स से देख लेते हैं। ये रहा रियल नंबर का है, तो रियल नंबर में क्या आएंगे, 3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना, डेसिमल वाले भी होंगे तो एक लिख देते हैं 2.5 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 1.5 2 2.5, है ना, 3। अच्छा, मैं जो भी दशमलव संख्याएं लिखता हूँ वो 0.5 में लिखता हूँ, है ना, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं, आप कोई भी संख्या लिख दो, मुझे थोड़ा आसान लगता है 2.5 1.5, है ना, इसलिए मैं 0.5 में लिखता हूँ। आपको 0.1 लिख सकते हो, 2.2 लिख सकते हो, आप बस दशमलव संख्या इसमें लिखनी है आपको, ताकि आपको ध्यान दें कि रियल नंबर के सेट में डेसिमल नंबर भी आते हैं, ठीक है। आपका एक्स हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, आपका वाई हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू आर। फंक्शन आपका दिया गया है, फंक्शन आपका है एक्स इक्वल टू 1 + x², ठीक है। अब देखो, जब आप जीरो लेते हो, एक्स की प्लेस पर जीरो रखोगे तो ये तो जीरो हो गया, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एफ एक्स बनाने का मतलब वाई, है ना, वाई का मान एक आ रहा है, ठीक है। जब आप जीरो रखोगे तो ये किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा, यानी वाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 1 मिल रही है, ठीक है। जब आप -1 रखोगे, -1 तो -1 का स्क्वायर +1 और 1 1 और 1 कितना हो गए, 2 हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। जब आप -1 रखते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है। और ऐसे जब आप +1 रखते हो, तब आपको क्या मिलता है, तब भी आपको 2 मिलता है, देख लो। और अगर दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ गई तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, कौन सा फंक्शन है, मेनी वन है, यानी बहुएक फलन है। भाई एक से अधिक एलिमेंट्स की अगर एक ही इमेज आ रही है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, मेनी वन होगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। तो हम लोग स्टेटमेंट से भी दिखा चुके थे, है ना, ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं था, हम लोगों ने मैपिंग से भी देख लिया कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। आंटो की बात करते हैं, आप -2 रखो, -2 का मतलब 4, भाई -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो -2 किसके साथ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 5, तो -2 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ जाएगा। आप -3 लिखोगे तो -3 का स्क्वायर 9, और 9 + 1 10, यानी -3 किसके साथ जाएगा, 10 के साथ जाएगा। आप देख रहे हो कि आप नेगेटिव वाले रखो चाहे आप पॉजिटिव वाले रखो, एफ एक्स की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव ही मिल रही है, नेगेटिव नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। आप जैसे ही नेगेटिव रखते हो ये स्क्वायर करके उसका क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ पर कोई भी संख्या रख रहे हो तब केवल आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 0 -1 -2 -3 ये सब तो छूट ही रहा, ये सब क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। और अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा, कोई भी एलिमेंट छूटा, तो क्या फंक्शन आंटो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आंटो में कोई फंक्शन छूटना ही नहीं चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या रखते हैं आपको पॉजिटिव नंबर से मिल रहे हैं, नेगेटिव वाले छूट जा रहे हैं, तो इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, आंटो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर छूट जा रहे हैं, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लिख डालते हैं,
जब भी आप ऑटो चेक करें तो मैपिंग बनाकर देख लें, और मैपिंग बनाकर देखने से सब कुछ क्लियर हो जाता है और आप फिर स्टेटमेंट बड़े आराम से लिख पाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट ले लो आप, माइनस और माइनस टू माइनस थ्री किसी भी ले लो आप, लिख लो वाई बराबर माइनस टू बिनाक्स टू आर, है ना। माइनस टू तो रियल नंबर के सेट में है यानी कोडोमेन में है, लेकिन के लिए प्रांत में किसी भी एक्स का अस्तित्व नहीं है, इसलिए फलन क्या है, फलन आच्छादक यानी आंटो। इसका मतलब ये होता है कि माइनस टू तो कोडोमेन में है, लेकिन इस माइनस टू के लिए डोमेन में कोई एक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा मौजूद नहीं है जो इसके साथ पेयर बनाए, है ना, इसके साथ मैपिंग करे, इसलिए फंक्शन आपका क्या है, आंटो नहीं है। ये फंक्शन ना तो वन वन था और ना ही आंटो, यानी ये फंक्शन हमारा बायजेक्टिव नहीं है। बायजेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन वन वन और आंटो दोनों है तो उसे हम लोग बायजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था आपको, तो इस हिसाब से ये फलन बायजेक्टिव नहीं है, मतलब एक एक आच्छादक नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक की। क्वेश्चन नंबर एक में आपको फंक्शन दिया गया है एफ ए बी इक्वल टू बी ए, और आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन दिया गया है ये एकैकी आच्छादक दोनों है, यानी ये बायजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सभी क्वेश्चन में जो हमारा डोमेन हुआ करता था वो सेट हुआ करता था, सिंगल सेट, और को डोमेन भी क्या होता था, सिंगल सेट होता था। लेकिन यहाँ पर जो हमें डोमेन दिया गया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, यानी कार्तीय गुणन दिया गया है, और को डोमेन भी क्या है, कार्तीय गुणन है। ठीक है, उसने कहा है कि मान लीजिए कि ए और बी कोई भी सेट है ना, कोई भी सेट है, तो ए और बी कोई सेट है और उस हिसाब से इसका डोमेन ए क्रॉस बी और को डोमेन बी क्रॉस ए दिया है, और आपसे कह रहा है कि जो फंक्शन दिया गया है आप सिद्ध करो कि फंक्शन क्या है, एक एक आच्छादक दोनों है। ठीक है, तो देखते हैं, हमसे बोला कि ए और बी कोई भी सेट है, कोई भी समुच्चय है, तो हम मान लेते हैं, हमने कहा मान लिया कि ए बराबर कोई भी ले लो, जैसे आपने कहा कि वन टू थ्री ले लेते हैं, ठीक है, और बी बराबर लिख देते हैं हम लोग फोर फाइव, है ना। ठीक है, आप कोई भी सेट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कोई भी समुच्चय ले लो आप। तो मैंने ए बराबर वन टू थ्री और बी बराबर फोर फाइव ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है इस फंक्शन के लिए। ये पूरा डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है, यानी यही प्रांत है, और ये क्या है, ये सह प्रांत है यानी कोडोमेन है। तो हमें सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन पता करना होगा, तभी तो हम लोग दिखा पाएंगे कि हमारा फंक्शन वन वन आंटो है कि नहीं है। तो सबसे पहले डोमेन क्या है इसका, एक क्रॉस बी, इसका मतलब इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा, और हम लोगों ने गुणा करना शुरू में सीखा है, दो अगर समुच्चय हमें दिए गए हैं तो उनका गुणा जब हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले सेट, अगर पहला सेट ए है तो सेट के पहले एलिमेंट को उठाओ और इन दोनों के साथ लिख दो, यानी लिख दिया मैंने 1415। ये जो लिखे गए हैं इनको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्रमिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, वन का फोर फाइव के साथ हो गया, अब टू को उठाते हैं टू फोर टू फाइव, ऐसे ही थ्री को उठाते हैं थ्री फोर और थ्री फाइव, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब कोडोमेन की बात करते हैं, बी क्रॉस ए निकालना है, इसका मतलब इसका उल्टा बी क्रॉस ए। जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो आप बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब यह है कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो जहां वन फोर था वो फोर वन हो जाएगा, जहां फाइव वन था वन फाइव था वहां फाइव वन हो जाएगा, ऐसे फोर टू, ठीक है, ऐसे फाइव टू, फिर ऐसे फोर थ्री, फिर ऐसे फाइव थ्री। ठीक है, सबका क्रम बदल जाएगा। ये हो गया ए क्रॉस बी और ये हो गया बी क्रॉस ए, यानी ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। देख लेते हैं मैपिंग से कि ये फंक्शन हमारा वन वन आंटो है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी है, ये हमारा क्या है, बी क्रॉस ए है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट को लिखते हैं वन फोर वन फाइव टू फोर टू फाइव थ्री फोर और थ्री फाइव, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी क्रॉस ए के एलिमेंट को लिखते हैं फोर वन फोर फाइव वन, फिर
फोर टू फाइव टू फोर थ्री फाइव थ्री, ठीक है, इनको आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग एक्स बोलते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी होगा, और इसको हम लोग वाई बोलते हैं, वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए होगा। फंक्शन हमारा है एफ, यहां लिख देता हूं एफ ए बी इक्वल टू क्या बी ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो दिया गया है ये वन वन ऑन टू है कि नहीं है। अब खुद देखो, जब आप ए बी रखते हो, जब आप ए बी रखते हो तो आपको क्या मिलता है, बी ए मिलता है। जब आप ए बी रखते हो तो आपको क्या मिलता है, बी ए मिलता है। तो आप देखो, जब आप वन फोर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर वन मिलेगा। देख लो, इसका उल्टा आपको मिलता है। तो जब आप वन फोर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर वन मिलेगा। ठीक है, वन फाइव रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइव वन मिलेगा। टू फोर रखोगे आपको क्या मिलेगा, फोर टू मिलेगा। टू फाइव रखोगे आपको क्या मिलेगा, फाइव टू मिलेगा। जब आप थ्री फोर रखोगे क्या मिलेगा, फोर थ्री मिलेगा। जब आप थ्री फाइव रखोगे क्या मिलेगा, फाइव थ्री मिलेगा। बात आई समझ में, ये रही मैं। अब आप खुद देख के बताओ कि ये फंक्शन वन वन है, बिल्कुल है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है और हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज है, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है, वन वन है। अब आंटो है कि नहीं है, आंटो होने के लिए क्या जरूरी है, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, और आप देख लो कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है, आंटो। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, ये फंक्शन आपका क्या है, वन वन भी है और आंटो भी है। कहने का कुल मतलब ये है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको फंक्शन दिया गया है एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू और एन बाई टू। एन प्लस वन बाई टू कब है, जब एन विषम है, और एन बाई टू कब है, जब एन सम है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है एफ फ्रॉम एन टू एन, यानी इस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। हमें चेक करके बताना है कि जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, मतलब ये वन वन और आन टू है कि नहीं है। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो वन वन भी हो और आन टू भी हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन की एक से अधिक डेफिनेशन हो जाए, फंक्शन की एक से अधिक डेफिनेशन हो जाए, तो जब हम लोग वन वन चेक करते हैं तो उसमें हम लोग केस लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, है ना, मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया था, है ना। तो इसमें भी फंक्शन की दो डेफिनेशन है, एक है वन प्लस वन बाई टू कब, जब यन विषम है, और एक है यन बाई टू कब, जब यन सम है। तो फंक्शन की जब एक से अधिक डेफिनेशन होती है तो हम वहां पर केस लेते हैं, तो मैं यहाँ पर केस लेकर सॉल्व करता हूँ इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वन वन की बात करेंगे, और वन वन में मैंने केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट में मैं क्या बोलता हूं, मैंने कहा, मान लिया कि एक्स वन एक्स टू, एक्स वन व एक्स टू दो विषम संख्याएं, जहां एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। मैंने कहा कि एक्स वन और एक्स टू दो विषम संख्याएं हैं, जहां एक्स वन और एक्स टू क्या है, नेचुरल नंबर से लिए जाएंगे, यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स वन बराबर क्या लेंगे, एफ एक्स टू लेंगे, और यही तो करते आए हम लोग वन वन के लिए, हम लोग यही करते आए हैं, तो यही करेंगे। जब एफ एन बराबर एन प्लस वन बाई टू है तो एफ एक्स वन बराबर क्या होगा, यहां पर एक्स वन रख दो तो एक्स वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा। अच्छा, हमने दोनों को विषम माना है तो यही फंक्शन चलेगा, क्यों, क्योंकि जब यह विषम है तब एफ एन की वैल्यू क्या है, एन प्लस वन बाई टू। तो जब विषम होगा तो ये डिफरेंशिएशन चलेगा, और जब सम होगा तो ये डिफरेंशिएशन चलेगा। आई बात समझ में। तो हमने कहा कि एक्स वन और एक्स टू तो विषम संख्याएं हैं, तो इसलिए हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे। तो जब यहाँ एन था तो यहाँ एन प्लस वन बाई टू था, जब यहाँ एक्स वन होगा तो एक्स वन प्लस वन बाई टू होगा, हो गया। ऐसे ही एक्स टू प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक, इस टू से ये टू कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, एक्स वन प्लस वन इक्वल टू एक्स टू प्लस वन, वन से वन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और क्या आ गया, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन वन वन तो है, अभी तक ये वन वन है, क्यों, क्योंकि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चले थे, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। ठीक है, अब केस सेकेंड, दूसरा केस लेते हैं,
आपको हो कि मान लिया कि एक्स वन एक्स टू सम संख्याएं हैं। पहले हम लोगों ने पहले केस में दोनों को विषम माना था, अब कि हम लोगों ने दोनों को सम मान लिया, जहां एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या करेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेंगे, है ना। अब की बार जब सम है तो ये वाला डिफरेंशियल चलेगा, तो जब एफ एन बराबर एन बाई टू था तो एक्स वन बराबर एक्स वन बाई टू होगा, और एक्स टू बराबर क्या होगा, एफ एक्स टू बराबर एक्स बाई टू होगा, टू से टू कैंसिल हो गया और क्या आया, एक्स वन बराबर एक्स टू आया। तो अभी तक ये फंक्शन वन वन है, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको दोनों संख्याओं को ऑड लिया था, विषम लिया था, तब भी x1 बराबर x2 आ गया, जब हम लोगों ने दोनों को इवन लिया, सम लिया, तब भी दोनों इक्वल आ गए x1 बराबर x2। तो अभी तक तो ये 1-1 है। अब तीसरे केस की बात करते हैं। अच्छा, मैं यहां पर आपको 1-1 करके तीनों केस समझा रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्टली तीसरे केस की बात करो या चौथे केस की बात करो, मतलब जिससे आपका रिजल्ट निकलता है उसी की बात करो। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप ऐसे जब दोनों को विषम मानोगे तब क्या होगा, जब दोनों को सम मानोगे तब क्या होगा, आप डायरेक्ट रिजल्ट वाली बात कर सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों केस को ना भी दिखाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, लेकिन दिखाने से भी कोई बुराई तो नहीं है ना, कोई नुकसान थोड़ी है हमारा। ठीक है, तो केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में मैं बोलूंगा कि मान लिया कि एक्स वन सम है और एक्स टू विषम है, बाकी आगे आपको पता ही है, जहां x1 x2 कहां से, नेचुरल नंबर के सेट से है। ठीक है, अब देखो जब x1 सम है तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा और x2 विषम है तो ये वाला चलेगा। तो देख लो f x1 बराबर क्या, f x2, तो x1 सम है तो ये वाला रखेंगे तो x1 by 2 हो जाएगा ये, और x2 विषम है तो ये वाला रखेंगे x2 plus 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया, क्या है x1 बराबर x2 plus 1, और ये इंप्लाई करता है कि x1 minus x2 बराबर 1, देख लो x1 बराबर x1 minus x2 बराबर 1। अब आप खुद देखो, अगर दो संख्याओं का अंतर एक आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये बात पक्की है कि x1 और x2 बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर बराबर होते तो दोनों का अंतर क्या आता, जीरो आता, दोनों का अंतर जीरो आता, लेकिन यहां पर दोनों का अंतर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो इसका मतलब यह है, ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या क्या हो, दो हो और दूसरी संख्या एक हो, पहली तीन हो दूसरी दो हो, पहली पांच हो दूसरी चार हो, दोनों संख्याओं का अंतर क्या हुआ है, एक आ रहा है, इसका मतलब x1 की वैल्यू 5 होगी, भाई x1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, x2 की वैल्यू 3 होगी, भाई x1 को आपने सम माना है ना, तो x1 अगर 2 है तो x2 1 होगा, x1 अगर 4 है तो x2 3 होगा, x1 अगर 6 है तो x2 5 होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या, यहां पर लिख सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्यों, क्योंकि अगर दोनों संख्याओं का अंतर एक आ रहा है तो मतलब दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग है तो x1 is not equal to x2। और हमें क्या करना था, हमें यही तो चेक करना था कि फंक्शन अगर 1-1 होता, अगर ये फंक्शन 1-1 होता तो तीसरे केस में भी क्या आता, x1 बराबर x2 आ जाता, लेकिन ये तीसरे केस में क्या दे रहा है कि x1 is not equal to x2, है ना। तो जब हम लोगों ने दोनों केस लिया था तो वहां पर तो हमको दिख रहा था कि ये फंक्शन दोनों केस में 1-1 था, लेकिन तीसरे केस में बात साफ हो गई कि फंक्शन क्या है, 1-1 तो नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे चौथा केस भी ले सकते हो, है ना, आप कह दो कि x1 विषम है, x2 क्या है, सम है, तो वहां पर भी ऐसे कुछ रिजल्ट आएगा, हो सकता है वहां पर x2 माइनस x1 बराबर 1 आ जाए, है ना, बताइए समझ में। आपको चौथा केस लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि तीसरे केस में स्पष्ट हो गया, अगर तीसरे केस में भी ये 1-1 होता तो फिर हम चौथे केस की बात करते, चौथा देखते, लेकिन तीसरे में ये स्पष्ट हो गया कि ये 1-1 नहीं है तो हम आगे देखेंगे, है ना, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, 1-1 नहीं है। अब आन को देखते हैं। ठीक है, तो आन को चेक करने के लिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग का सहारा लेंगे, तो देखते हैं मैपिंग से क्या होता है। तो बात करते हैं आन को की, हम लोग ये चेक कर चुके हैं कि फंक्शन 1-1 नहीं है। अच्छा देखो, आपको क्या करना था,
आपको तो यही बताना था कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सिद्ध करो कि ये फलन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो अगर सिद्ध करना होता है तो आप क्या करते हैं, वन वन भी दिखाते हैं और आउट भी दिखाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आप बताओ, आप चेक करके बताओ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, मतलब ये एक एक ही आच्छादक है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक एक ही चेक करोगे, वन वन चेक करोगे, फिर आप आंटो चेक करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने चेक किया और ये फंक्शन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत है भाई। बाइजेक्टिव यानी एक एक ही आच्छादक तभी होगा जब ये फंक्शन वन वन भी हो आंटो भी हो, मतलब एक एक ही भी हो आच्छादक भी हो। अगर ये एक एक ही है ही नहीं तो आच्छादक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा बोल देंगे ये फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं ना हमारा क्या जाता है, तो देख लेते हैं कि ये फंक्शन आंटो है कि नहीं है। तो मैपिंग बनाते हैं, नेचुरल नंबर का डोमेन है तो नेचुरल नंबर हो गया, और लेकिन एग्जाम में अगर आपसे बोल दें कि आप चेक करके बताओ ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो अगर आप चेक कर रहे हो और आपने चेक किया कि ये फंक्शन वन वन नहीं है, तो आपको आगे आंटो देखने की जरूरत नहीं, आप वहीं लिख दो कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि आंटो है कि नहीं है, वन वन तो नहीं है, आंटो की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, थोड़ा ज्यादा संख्याएं लिखते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, यहाँ पर होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, है ना, इस तरह से हो गया। हमें पता है कि डोमेन के एलिमेंट को हम लोग एक्स बोलते हैं और कोडोमेन के एलिमेंट को हम लोग वाई बोलते हैं, फंक्शन हमारा ये है, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो आंटो की बात करते हैं। अच्छा आंटो चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि को डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटने ना पाए, वो डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटने ना पाए। तो देखो सबसे पहले वन वन देख लेते हो और वन वन के आधार पर ही आपको आंटो भी पता चल जाएगा। हम लोग ऐसे वन वन तो चेक ही कर चुके हैं कि ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये फंक्शन क्या है, वन वन नहीं है। लेकिन यहां पर भी देख लेते हैं कि फंक्शन वन वन क्यों नहीं है। वन क्या है, वन विषम है, तो जब आप विषम लोगे यानी कि वैल्यू क्या करोगे, विषम लोगे तो आप क्या पाते हो, विषम इसमें जाएगा क्योंकि विषम संख्या के लिए यही फंक्शन है। तो जब आप एक रखोगे तो एक और एक कितना हो गया, दो, और दो बटा दो मतलब एक, यानी जब आप एक लेते हो तब ये एक के साथ जाता है। बात आई समझ में, जब हम x की वैल्यू वन रखते हैं तो एफ एक्स हमको क्या मिलता है, वन मिलता है। दो क्या है, सम संख्या है, तो अब की बार ये तो विषम के लिए था ना, अब सम के लिए, जब दो सम है तो यहां पर रखोगे, तो दो रखा जब दो बटे दो कितना आया, एक आया, यानी दो को जब हमने लिया फंक्शन में रखा तो हमें क्या मिला, वन मिला। देख लो दो एलिमेंट की एक ही में जा रही है, और अगर दो एलिमेंट की एक ही में जाएगी तो फंक्शन आपका क्या होगा, मेनी वन होगा, वन वन नहीं होगा। तो वहां पर हम लोगों ने स्टेटमेंट से देखा था और यहाँ पर हम लोगों ने मैपिंग से देख लिया कि हमारा फंक्शन वन वन तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक ही में जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं तीन क्या है, विषम है, यहाँ पर रखोगे तीन और एक चार, चार बटे दो मतलब क्या, दो, यानी तीन का दो के साथ जाएगा। फिर हम चार रखेंगे, चार यहाँ रखेंगे, चार बटे दो मतलब क्या, दो यहाँ जाएगा। फिर पांच रखोगे यहाँ पर, विषम वाले को यहाँ रखोगे, सम वाले को यहाँ रखोगे, तो पांच यहाँ रखा, पांच एक छह, दो तीन छह, यानी पांच तीन के साथ जाएगा। आप जो छह यहाँ रखोगे तीन आएगा। फिर सात, सात एक आठ, चार दो आठ, आठ यहाँ रखोगे चार। आप क्या देख लो, आप क्या देख लो, आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऐसे दो दो एलिमेंट मिलके इसमें सारे के सारे एलिमेंट को भर डालेंगे, सारे के सारे एलिमेंट को भर डालेंगे भाई। वन और टू की इमेज वन, थ्री फोर की इमेज टू, फाइव सिक्स की इमेज थ्री, सेवन एट की इमेज फोर, नाइन टेन की इमेज फाइव, इलेवन ट्वेल्व की इमेज सिक्स, है ना। ऐसे ऐसे दो दो एलिमेंट की एक इमेज ऐसे बनती चली जाएगी। हमें करना क्या था, हमें यही तो देखना था कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटे ना, और ऐसे हमको अंदाजा लग जा रहा है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, दो दो एलिमेंट का एक एक इमेज बनता चला जाएगा, है ना। तो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटने वाला है, इसलिए फंक्शन आपका आंटो है, वन वन तो नहीं है लेकिन ये फंक्शन आंटो है, है ना। तो आप ऐसे लिख दोगे ये फंक्शन आंटो है, ये फंक्शन आंटो है, मतलब वन वन नहीं है आंटो है। लेकिन अगर हम बाइजेक्टिव की बात करें, एक एक ही आच्छादक की बात करें, तो ये फलन हमारा एक एक ही आच्छादक नहीं है। एक एक ही आच्छादक तभी होता जब ये एक एक ही भी होता और आच्छादक भी होता,
ठीक है, तो फंक्शन हमारा आंटो तो है वन वन नहीं है, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, है ना, आंटो है। यहाँ हम लोगों ने मैथिंग से देख लिया, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख भी देते हैं कि फंक्शन आंटो क्यों है। ठीक है, तो लिख डालते हैं आंटो के लिए। देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होंगे, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगी, है ना। तो आप लिख दो कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ऐसे लिखो प्रत्येक y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में x का अस्तित्व होगा, इसलिए फलन अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। वर्मन नहीं था, आंटो था, मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो सेट दिए हैं, एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है। सेट ए की खास बात यह है कि ये रियल नंबर का ही सेट है, ये रियल नंबर का ही सेट है, बस उसमें आपको 3 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है। और बी भी क्या है, रियल नंबर का ही सेट है, बस इसमें आपको 1 नहीं लेना है, 1 को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं को लिखना है, और ऐसे 3 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं को लिखना है। ठीक है, ओके। फंक्शन आपको दिया है fx equal to x minus 2 upon x minus 3। आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन वन वन आंटो है कि नहीं है, जबकि फंक्शन की डिफिनेशन दी गई है फ्रॉम ए टू बी, मतलब इसका डोमेन सेट ए है और कोडोमेन क्या है, सेट बी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले वन वन की बात करते हैं, वन वन की, वन वन के लिए क्या करना है आपको, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलना है और एक्स वन बराबर एक्स टू लाके देखना है कि आता है कि नहीं आता। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो फंक्शन वन वन है, और नहीं आएगा तो फंक्शन वन वन नहीं है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि मान लिया कि एक्स वन एक्स टू दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये हो गया। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, तो एफ एक्स वन की क्या होगी, एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री, ऐसे ही एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू और एक्स वन माइनस थ्री। ठीक है, ये हो गया। एक्स वन का है एक्स टू में होगा, तो एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन, ऐसे इसका होगा माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन और माइनस थ्री एक्स टू और प्लस सिक्स। ठीक है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि एक्स वन एक्स टू से कैंसिल हो गया, सिक्स सिक्स से कैंसिल हो गया, है ना। आपके पास बचा है क्या, माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू और बराबर माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि x1 और x1 को एक तरफ कर लो, x2 और x2 को एक तरफ कर लो, तो ये माइनस थ्री एक्स वन है, जब ये इधर आएगा तो प्लस टू एक्स वन हो जाएगा, और ऐसे ही माइनस थ्री एक्स टू है, जब इधर जाएगा तो ये प्लस थ्री एक्स टू हो जाएगा। माइनस थ्री प्लस टू यानी माइनस एक्स वन और यहाँ माइनस एक्स टू, ये इसे कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स वन बराबर क्या एक्स टू। तो हम लोग जब एक्स वन बराबर एक्स टू लेकर चले थे तो हमें क्या मिल गया, एक्स वन बराबर एक्स टू मिल गया। तो ये फंक्शन हमारा वन वन, ये फंक्शन हमारा क्या है, वन वन। ठीक है, अब हम आंटो की बात करेंगे, है ना। तो बात करते हैं आंटो की। है ना, आंटो को चेक करने के लिए हम लोग मैपिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो मैपिंग का सहारा ले लेते हैं,
ये हो गया आपका रियल नंबर का सेट है डोमेन, और ये भी क्या है रियल नंबर का ही सेट होगा, ठीक है कोडोमेन। डोमेन में आपको थ्री को नहीं लेना है, थ्री को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है आप खुद ही देख लो कि अगर डोमेन में आपने थ्री को लिया तो आपका फंक्शन क्या था fx इक्वल टू x माइनस टू बाई x माइनस थ्री। अगर आप इसमें डोमेन में थ्री को लेंगे तो x की वैल्यू जैसे आप थ्री रखेंगे थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, और कुछ भी बटा जीरो का क्या मतलब है इनफाइनाइट। और अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो इसका मतलब क्या कि आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो इसीलिए उसने कह रखा है कि डोमेन में आपको थ्री नहीं लेना है बाकी सबको लेना है। तो लिख डालते हैं माइनस थ्री है माइनस टू है माइनस वन है जीरो है वन है टू है थ्री नहीं है, है ना, टू पॉइंट फाइव भी है फोर है थ्री नहीं है, ठीक है। आगे उसने कहा है कि को डोमेन में वन नहीं होना चाहिए, वन क्यों नहीं होना चाहिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं fx इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, ठीक है। fx को हम लोग y लिखेंगे, y इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। x वाली वैल्यू को एक तरफ करो y वाली वैल्यू को एक तरफ करो, हमें कुल मिला के x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्स वाई इस x को इधर ले आओ माइनस एक्स हो गया, और इस थ्री वाई को उधर ले जाओ तो माइनस टू प्लस थ्री वाई, ये उधर चला गया ये इधर आ गया, x को कॉमन कर लो ये है आपका क्या वाई माइनस वन, और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा थ्री वाई माइनस टू है। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा थ्री वाई माइनस टू अपॉन क्या वाई माइनस वन, यहाँ से x की वैल्यू ये मिली आपको। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आप y की वैल्यू 1 रख दोगे, y की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर कुछ भी बटा 0 आया तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट आएगा। इसीलिए उसने कहा है कि को डोमेन में 1 नहीं होना चाहिए और डोमेन में 3 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, अगर आपने डोमेन में 3 को रख दिया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर आपने 1 रख दिया तो यहां पर देखिए आप x की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेंगे, मतलब यहां भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए उसने डोमेन में 3 को छोड़ दिया था और कोडोमेन में 1 को छोड़ दिया था, ठीक है। तो कोडोमेन में हम लोग क्या करेंगे, कोडोमेन में हम लोग सारे एलिमेंट लिखेंगे बस 1 को नहीं लिखेंगे, ये हो गया। या तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे सेट ए बोलेंगे, है ना, क्योंकि डोमेन हमारा क्या है सेट ए है और कोडोमेन में हमारा क्या है सेट बी है, तो ये हो गया। तो हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा फंक्शन आम तो है कि नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम लोग वाई की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी, वाई की वैल्यू रखते जाएंगे और एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। हम एक एक करके चेक करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे और हम देखेंगे कि प्रत्येक वाई के लिए क्या एक्स की वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। देखो जब आप कहते हो कि मैं वाई बराबर जीरो लेता हूँ, मतलब वाई बराबर जीरो की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ये तो पूरा खत्म, माइनस टू अपॉन माइनस वन खत्म, क्या मिला टू मिला, क्या मिला टू। इसका मतलब यह है कि टू के लिए इमेज कितनी मिलेगी जीरो मिलेगी, बात आ रही समझ में भाई। जब वाई की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है टू मिल रही है, तो इसका मतलब टू की इमेज क्या है जीरो, ठीक है। ऐसे आप वन वन तो रख नहीं सकते क्योंकि कोडोमेन में वन है नहीं, टू की बात करो, जब आप यहाँ पर टू रखोगे तो दो किया छः, छः में से दो निकला चार, और यहाँ पर दो, दो में से निकला एक, तो चार में एक का मतलब क्या है चार, है ना। तो जब आप दो रखोगे तो क्या मिलेगा आपको चार मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप वाई की वैल्यू रखते जाओ, ऐसे आप माइनस वन रख दो, जब आप माइनस वन रखोगे तो माइनस वन और माइनस वन क्या हो गया माइनस टू हो गया, और माइनस वन रख रहे हो ना तो माइनस थ्री और माइनस टू मतलब क्या माइनस फाइव अपॉन माइनस टू कितना है 2.5, ये मौजूद है तो 1 के लिए क्या होगा 1 के लिए होगा 2.5। आप देख रहे हो कि आप y की कोई भी वैल्यू रख दो, आप y की कोई भी वैल्यू रख दो प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x जरूर मिलेगा आपको, प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x जरूर मिलेगा आपको। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि रियल नंबर का अगर डोमेन और कोडोमेन है तो लगभग फंक्शन ऑन टू हो ही जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की संख्या, क्योंकि आप इसमें कोई भी y का मान ले लो प्रत्येक वाई के लिए कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिल जाएगा आपको, प्रत्येक वाई के लिए कोई ना कोई एक्स जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वाई का हम कोई भी मान लेते हैं
प्रत्येक वाई के लिए कोई ना कोई एक्स जरूर हमें मिल जाता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है क्या है, अंटो है, हमारा फंक्शन अंटो है, मतलब ये फंक्शन हमारा वन भी था और अंटो भी था। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a का अस्तित्व है, इसलिए फलन अच्छा तक है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, सभी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है कि वन वन के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिया, उसके बाद में एक्स वन बराबर एक्स टू दिखा दिया। ठीक है, ये हमारा वन वन हो गया। आंटो के लिए क्या किया, आंटो के लिए हम लोगों ने मैपिंग बनाया, मैपिंग बनाने के बाद में देखा कि अगर वो आंटो है तो आंटो के लिए ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया कि प्रत्येक वाई के लिए डोमेन में एक्स का अस्तित्व है, अतः हमारा फंक्शन क्या है, आंटो। और अगर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो उसी एलिमेंट को उठाएंगे और लिख देंगे कि माइनस टू इस सेट में तो है लेकिन डोमेन में इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है, अतः यह फंक्शन आंटो नहीं है। अभी तक हम लोगों ने यही किया है, लेकिन लेकिन जितना भी क्वेश्चन मैंने किया उसमें वन वन दिखाने के लिए मैंने मैपिंग का सहारा कम लिया है, आंटो दिखाने के लिए मैंने मैपिंग का सहारा लिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल वन वन तो आप बिना मैपिंग के दिखाने जा रहे हो, आंटो के लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मैपिंग का सहारा लेते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मैं मैपिंग का सहारा बिल्कुल ना लूं, मैपिंग बिल्कुल मैं बनाऊं ही ना और बिना बनाए मुझे समझ में आ जाए कि फंक्शन हमारा वन वन है कि नहीं है, आंटो है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको आंटो वन वन तो आप वैसे ही करोगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू बराबर एक्स वन बराबर एक्स टू। आंटो के लिए आपको एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा और वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं वो ऑब्जेक्टिव है, तो इसी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आंटो दूसरे तरीके से कैसे दिखाते हैं। आंटो दिखाने के लिए मैंने जब इंट्रोडक्शन क्लास किया था फंक्शन का, टाइप्स ऑफ फंक्शन का, और उसमें मैंने जब आंटो फंक्शन बताया था तो आंटो फंक्शन की एक डिफिनेशन और थी, और वो डिफिनेशन क्या थी, वाई के लिए प्रांत में कोई ना कोई एक्स अवश्य होना चाहिए जिससे जिससे एफ एक्स बराबर वाई हो जाए, जिससे एफ एक्स बराबर वाई हो जाए। कई क्वेश्चंस में मैंने आंटो के लिए ये स्टेटमेंट भी प्रयोग किया। और अगर आप किसी फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखा पाओ, एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखा पाओ, तो वो फंक्शन आंटो होगा। मैपिंग बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखा दो, अगर ऐसा आप ले आते हो तो फंक्शन आंटो हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आंटो दिखाने के लिए बिना मैपिंग के अगर आप एफ एक्स इक्वल टू वाई लाना चाहते हैं तो आप पहला काम तो यही करोगे कि फंक्शन को लिखोगे और एफ एक्स की जगह पर वाई लिखोगे। सेम प्रोसेस करने के बाद जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लो। हमने यहां पर एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू जो हमने यहां पर निकाला है इसको वापस यहां पर x की प्लेस पर रख देंगे और रखने के बाद में सॉल्व करेंगे। अगर हल करने पर ये y आ जाता है तो हमारा फंक्शन आंटो है, और अगर नहीं आता है तो फंक्शन आंटो नहीं है। देखते हैं, x की प्लेस पर क्या रखेंगे, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, और फिर क्या है माइनस 2 x की प्लेस पर ये वाला मान। ठीक है, फिर 3y माइनस 2 अपॉन क्या y माइनस 1 और माइनस कितना 3 जो भी, इसे हम हल करेंगे। हल करने के बाद में अगर ये y आ जाता है तो हमारा फंक्शन आंटो है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं 3y माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 2 माइनस 3 y माइनस 1 अपॉन क्या y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या मिला 3y माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2y और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 अपॉन, ऐसे ही हो जाएगा 3y माइनस 2 ये हो गया आपका क्या माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, यही तो होगा। अब देखो माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया
और 3y प्लस है, 3y माइनस है, ये कट गया है ना। तो देखो क्या बचा, 3y माइनस 2y यानी ऊपर क्या बचा, y बचा और ये माइनस 2 है और ये प्लस 3 है, तो इसका मतलब ऊपर बचेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, y आ गया और हमें यही तो लाना था, fx बराबर क्या लाना था, y लाना था। तो अगर आप आंटो दिखाना चाहते हैं किसी फंक्शन को विदाउट मैपिंग, तो आपको यह काम करना पड़ेगा कि वर्मन के लिए आप वही प्रोसेस अपनाओगे, आंटो के लिए आप x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म में और इस वैल्यू को वापस फंक्शन में रख दोगे और रखने के बाद सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद में अगर y आ जाता है तो आप बोल दोगे कि फंक्शन हमारा क्या है, आंटो है, और अगर नहीं आता है तो आप बोल दोगे कि फंक्शन आंटो नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आंटो हम लोग विदाउट मैपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपको, आप उसी तरीके से वन वन आंटो करें, है ना, मैपिंग का सहारा लें, सब कुछ आसान हो जाता है मैपिंग से। और बाकी क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है। अगर आप एक बार फील कर गए तो तरीका कोई भी हो, है ना, तरीका कोई भी हो, आपको तो बस समझनी है ना, बात समझ में आनी चाहिए आपकी, कोई भी तरीका हो। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय हैं। फंक्शन दिया गया है f(x) = x पावर 4, डेफिनेशन दी गई है फ्रॉम R टू R, यानी डोमेन रियल नंबर का है और कोडोमेन भी रियल नंबर का है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है f(x) = 3x, फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम R टू R, यहां भी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है। चार चार ऑप्शन दिए हैं और आपसे कह रहा है चेक करके बताओ कि फंक्शन वन वन आंटो है कि नहीं है, है ना, वन वन है कि नहीं, आंटो है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, मैं मैपिंग से करता हूँ क्वेश्चन, है ना, बाकी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत क्या है। ये हो गया आपका, ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है ना। तो रियल नंबर में आ जाएंगे माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, है ना, 3, ऐसे आ जाएंगे। आप चाहो तो डेसिमल नंबर पे लिख दो, है ना, 2.5। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 1.5, है ना, 2, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब फंक्शन है f x इक्वल टू x पावर 4, ये आपका f बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ये आपका y बिलोंग्स टू r हो जाएगा। फंक्शन आपका दिया है f x इक्वल टू क्या, x पावर 4। ठीक है, देखते हैं, जब आप 0 रखोगे तो 0 तो 0 के साथ जाएगा। ठीक है, जब आप माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 का पावर 4 प्लस 1, है ना, पावर 4 क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, ये हो गया। और जब आप 1 रखोगे तो 1 का पावर 4 कितना आएगा, 1 ही आएगा। और देख लो, दो एलिमेंट की अगर एक ही इमेज है तो ये फंक्शन 1-1 तो नहीं है, 1-1 नहीं है। आंटो की बात करते हैं, आंटो की बात करते हैं, आप डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो और इसमें रख के जाओ, पॉजिटिव वाले को रखोगे तो पॉजिटिव देगा, निगेटिव वाले को रखोगे तो भी पॉजिटिव देगा, क्यों, क्योंकि पावर 4 है, पावर 4 है। तो आप देख पा रहे हो कि ये फंक्शन 1-1 तो नहीं है, और आंटो होने के लिए डोमेन को डोमेन के आंटो होने के लिए को डोमेन के सभी एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए थे, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो फंक्शन x पावर 4 में लिखा है, इसका मतलब यह है कि माइनस वाले सब छूट जाएंगे, और अगर माइनस वाले छूट रहे हैं, नेगेटिव नंबर छूट जा रहे हैं, तो ये फंक्शन आपका आंटो नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन था f एक एकीय आच्छादक है, गलत है, f बहुएक आच्छादक है। हाँ, फंक्शन जो आपका है ये मिनिमम फंक्शन जरूर है, बहुएक फलन जरूर है, लेकिन आंटो नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। c वाला है f एक एकीय है, उन्होंने तो आई नहीं, है ना। d वाला ऑप्शन है, कह रहा है f ना तो एक एकीय है और ना ही आच्छादक है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन d है यही करेक्ट होगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में f(x) = 3x दिया है, डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है, बना लेते हैं क्या दिक्कत है, ये रियल नंबर हो गया, ये भी रियल नंबर हो गया। ठीक है, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 2.5, 3, है ना, ऐसे ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 1, 1.5, 2, 2.5, है ना, 3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू r और ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू r। फंक्शन आपका है f(x) = 3x, f(x) = 3x। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन 1-1 आंटो है कि नहीं है।
वन वन के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो होगा, जीरो होगा, एक्स बराबर वन, जब आप एक्स बराबर वन रखेंगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा, तो वन किसके साथ जाएगा, थ्री के साथ जाएगा। जब आप एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस थ्री मिलेगा, जब एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे क्या मिलेगा, माइनस थ्री मिलेगा, ठीक है। एक्स बराबर टू रखेंगे सिक्स मिलेगा, एक्स बराबर माइनस टू रखेंगे माइनस सिक्स मिलेगा, एक्स बराबर फोर रखेंगे, मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू आप रखते जाओगे वाई की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, और जितने भी एक्स रखते जाओगे प्रत्येक एक्स के लिए अलग अलग वाई मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन तो आपका वन है, ये फंक्शन आपका क्या है, वन वन दो है। आप चाहो तो एक्स वन बराबर एक्स टू लेकर भी चेक कर सकते हो, ये फंक्शन वन वन है। आंटों की बात कर लेते हैं, आंटों की बात कर लेते हैं, आप क्या करोगे, आप एक्स की कोई भी वैल्यू का भेज के प्रत्येक एक्स के लिए अलग अलग वाई मिल रहा था, तो आप क्या करो, आप सबसे पहला काम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई थ्री, एक्स इक्वल टू वाई बाई थ्री। वाई की कोई भी वैल्यू, वाई का कोई भी मान ले लो, वाई का कोई भी मान ले लो, उसमें तीन से भाग कर दो, भाग करने के बाद में अगर ये रियल नंबर है, रियल नंबर में अगर आप थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी नंबर मिलेगी आपको वो रियल नंबर ही होगी, रियल नंबर ही होगी, मतलब y का कोई भी मान ले लो, तो y का कोई भी मान ले लो उसके लिए आपको x अवश्य मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो आपका ये फंक्शन आंटो भी है, और ऐसा होगा क्यों, क्योंकि y रियल नंबर है, और रियल नंबर में अगर आप 3 से डिवाइड करते जाओ, कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर आप उसे 3 से डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा होगा, डेसिमल आएगा, दशमलव में आएगा, और रियल नंबर के सेट में दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं, अतः ये फंक्शन आपका क्या है, आंटो भी है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है ए, ऑप्शन ए दिया गया है, और ऑप्शन ए में लिख रहा है कि एफ ए का ही आच्छादक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।